अगर आप भी ढूंढ रहे हो फ़ोन 5000 से लेकर 15000 तक शाओमी या फिर रेडमी का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आओ। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फाइव फ़ोन जो कि शाओमी के हैं और 5000 से लेकर 15000 तक है, और ये फ़ोन शाओमी के बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से 5000 से 15000 तक। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आशित गोपाल। ओके सो जो पहला फ़ोन है वो है 6000 रुपीज़ का Xiaomi Redmi 6A। ओके सो जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो है 5.45 इंच का। इसमें आपको रैम मिलेगा 2GB का, सिस्टम है ओरियो 8.1 और इसमें आपको मिलेगा क्वाड कोर प्रोसेसर 2GHz का, 3000mAh का बैटरी और 5MP का फ्रंट कैमरा और 13MP का रेयर कैमरा। तो ये था नंबर वन फ़ोन जो कि था 6000 रुपीज़ का। ओके सो अब जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है Xiaomi Redmi Y2। इसका एक Y1 वाला भी सीरीज़ आया था, वो भी बहुत अच्छा फ़ोन था और ये भी अच्छा ही फ़ोन है। तो इसका प्राइस है 10000 रुपीज़। और एक चीज़ और बता दूँ, ये सारे जो फ़ोन का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस फ़ोन का प्राइस है 10000 रुपीज़ और इसमें आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 6 इंच का डिस्प्ले, 3GB रैम और 3080mAh का बैटरी और इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा 16MP का और रेयर कैमरा मिलेगा डुअल 12MP का। तो अब नेक्स्ट और थर्ड फोन है वो है Xiaomi Redmi 6 Pro। इसमें आपको मिलेगा 5.34 इंच का डिस्प्ले और अगर आप नॉच लवर हो तो इसमें आपको नॉच भी मिल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 12MP का डुअल रेयर कैमरा और फ्रंट में मिलेगा 5MP का। फ्रंट का कैमरा क्वालिटी थोड़ा लो है लेकिन ये फ़ोन ठीक है। आपको मिलेगा 3GB का रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज और बैटरी मिलेगा 4000mAh का। ओके सो जो नेक्स्ट है वो है Xiaomi Redmi Note 5 Pro। इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 15000 रुपीज़। इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। ओके सो इसमें आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 6 इंच का डिस्प्ले, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। फ्रंट में इसमें आपको मिलेगा 20MP का रेयर कैमरा, बैक में मिलेगा 12MP का डुअल कैमरा। इसमें प्रोसेसर आपको 1.8GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है और 4000mAh का बैटरी। ओके सो अब नेक्स्ट और लास्ट फोन है Mi A2 Lite। एक गूगल का भी प्रोजेक्ट है कह सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, 5.84 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और इसमें आपको नॉच भी मिलेगा। ओके, बैटरी है 4000mAh की और 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 14,502। तो अब आता है कंक्लूजन, आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो अगर आपका प्राइस है थोड़ा सा 5000 से ऊपर यानी 6000 7000, तो आप 6A लीजिए। अगर आपका प्राइस है अंडर 10000 रुपीज़ तो Y2 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए 15000 में नॉच वाला तो आप Redmi 6 Pro लीजिए, लेकिन फ्रंट कैमरा उसका अच्छा नहीं है, वो दिक्कत दे रहा है, Redmi Y2 लीजिए। ओके सो Redmi Y2 मैं आपको क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, एक Redmi 5 भी उसको भी आप ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको डुअल रेयर कैमरा नहीं मिल रहा है, Y2 में आपको डुअल रेयर कैमरा मिल रहा है। और अगर आपका प्राइस है 11000 या फिर 12000 तो आप Redmi 6 Pro लीजिए। अगर आपको फ्रंट कैमरा से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ नॉच चाहिए, तो अगर आपको फ्रंट कैमरा भी चाहिए और फ़ोन का अच्छा खासा प्रोसेसिंग यूनिट भी रहना चाहिए यानी प्रोसेसर भी अच्छा रहना चाहिए, तो आप अभी भी Note 5 Pro को ले सकते हैं। तो बस ये था 5 Xiaomi फोन्स 5000 से लेके 15000 तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। सो और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशित गोपाल and I'm signing off.